पाकिस्तान महज इतों 800 मीटर दूर है। जब भी मोरा लाहौर नू जांदी सी तां उस नहर नू पार करना पैंदा सी और कल्ली उस नू मुश्किल नहीं सी, बहुत सारे लोगों नू उसकी मुश्किल सी। मोरा ने अपनी आया नू पुछया लोग की सोचते हैं उहदे बारे, तां उस लेडी ने मोरा नू कहा कि पुल दा लोगों नू बहुत सुख है, लेकिन उस पुल नू लोग पुल मोरा नहीं पुल कंजरी कहिंदे हन, जिहड़ा कि उस नर्तकी दे नाल जस्टिफाई नहीं है, उस दिन नाल न्याय नहीं है। मोरा जड़ी है ना वो डांस मोर की तरह करती सी कि महाराजा ने सिक्के भी ये नाम चलाए। ब्याह करन तो बाद फिर अपने एलीफेंट ते बिठा के लाहौर के बाजारों के उसके नाल जांदा सीगा और बेपर्दा हो जाती सी क्योंकि वो पर्दा नहीं करती सी बाकी रानियों की तरह। इसकी मैरिज फिर ऑब्जेक्शन किया गया। लोग मन ने महाराजा रणजीत सिंह के इस कार्य को स्वीकार नहीं किया। अकाल तख्त तो भी ऑब्जेक्शन होया, कोड़े लगाने की सजा सी नंगी पिट के उत्ते, महाराजा एग्री कर गया उद्दे भी तो उसकी सजा कन्वर्ट करके 1.5 लाख रुपया हरिमंदर साहब के उस जमाने चने फिर वो चढ़ाया इन पनिशमेंट के अगेंस्ट चढ़ाया। हिस्टरी के कुछ रचन की जड़ी कोशिश है वो मोरा स्टैंड नहीं करती। वाली पंजा दरियावां दे जान मगरों लई किसे ना सार पंजाबियां दी रह गई लटकदी लाहौर दी कंध उत्ते रत पीणी तलवार पंजाबियां दी सिर तों ताज दलीप दे लथिया ना लथ गई दस्तार पंजाबियां दी खैबर तीक बनाई सी जो नलुए खुस गई जागीर पंजाबियां दी। महाराजा रणजीत सिंह वाकई पारस सी जिसनू छो के मोरा नाची तों मोरा माई बन गई। पेशे वजो महफलों च नचण वाली मोरा नू ओ माण ओ सत्कार शायद कदे हासिल ना हुंदा जो महाराजा रणजीत सिंह सदका प्राप्त होया। विरासतनामा च अज गल करांगे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ते माई मोरा दे मिलाप दी। लाहौर ते अमृतसर दे दरमियान पुल मोरा जिसनू पुल कंजरी दे नाम नाल भी संबोधन किया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह की जिंदगी दे नाल इस स्थान का बहुत ही अहम किस्सा जुड़िया होया है। महाराजा रणजीत सिंह अपनी शाही सेना अते नौकर चाकरां नाल अक्सर ही इत्थे आराम करिया करदा ते एक बार इतफाक ही महाराजे नूं उस वेले दी प्रसिद्ध नाची मोरां दा नाच वेखण नूं मिलिया। मोरां दी खूबसूरती दे चर्चे पूरे लाहौर दे विच सन ते उस दी एक झलक ही काफ़ी सी महाराजा रणजीत सिंह दा दिल जितण लई। कहिंदे ने कि जदों मोरां नचदी सी ते देखण वालियां नूं इंज लगदा मनो कोई मोर नच रिहा होवे, इसे लई नाम मोरां सी यानी मोर वर्गी। क्योंकि मोरा जड़ी है ना वो डांस मोर की तरह करती सी तो उहदा नाम ही जड़ा मोरा वाली सरकार भी कहिंदा सी, मोरा दा सिक्का कहा जांदा सी उहनूं उस सिक्के नूं ही, और वह सिक्का जड़ा म्यूजियम दे विच रख्या होया मोरा वाला सिक्का महाराजा रणजीत सिंह दे म्यूजियम च। क्या यह भी जानता है कि एक बार मोरां दी चांदी दी जुत्ती महाराजे दे दरबार विच जांदे समय नहर नूं पार करदियां डिग गई। ये नहर किसी समय मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा शालीमार बाग की सिंचाई लई बनाई गई सी, सो निराशा की हालत च मोरा ने महाराजे अगे नचण तों इनकार कर दिता ते महाराजे ने तुरंत इस नहर ते पुल की उसारी करवा दिती। जब भी मोरा लाहौर नू जांदी सी तां उस नहर नू पार करना पैंदा सी और कल्ली उसनू मुश्किल नहीं सी, बहुत सारे लोगों नू उसकी मुश्किल सी। और मोरा ने यह गल बड़ी शिद्दत नाल फील की कि इस नहर करके बहुत सारे लोगों नू मुश्किल पेश आ रही है, और उन्हें तहैया किया, उन्हें डिसाइड फैसला किया कि इत्थे एक पुल बनना चाहिए। और एक दिन वो जान बुझ के देरी नाल दरबार दे विच जांदी है, उन्हूं पुछया जांदा है कि तू देर नाल क्यों आई, और वह दसदी है कि इस तरह रस्ते दे विच नहर है जिथे कि उसकी जुत्ती डिग पई और मैं चाहती हाँ कि उत्थे एक पुल बनाया जाए। और असल च वह एक कारण महाराजा साहब नूं दस रही है, लेकिन उहदे मन दे विच जिहड़ी गल सी उह सी लोकां वास्ते पुल नूं बनाउणा। महाराजे दे शौक सीगे जिन्हां दे विच महफिल सजाना राग रंग दी उहदे विच मोरां दा जिहड़ा बड़ा महाराजा बहुत इनफैचुएटिड सी मोरां नाल और इहनूं बहुत
प्यार करता सी, जिन्हों कहे फस्ट साइट लव महाराजा का जड़ा सी। उसने महाराजा काफ़ी यंग सीगा, 21-22 ईयर दे विच होना जिसले उन्हें महाराजे ने पहली बारी मोरा नू देखिया सी। और उदे नाल फिर मिलना और मिलन वास्ते जड़ी है एक जगह रखी गई सी कि जो लाहौर दे विच क्रिटिसाइज होना शुरू हो गया तो महाराजे ने अमृतसर लाहौर दे विच एक जगह रखी सी जिथे महफिल सजांदा सीगा। और उसी बात विच पुल कंजरी बनिया क्योंकि वह कनाल पार करके आती सी, जुत्ती वो कहें मतलब हिस्टरी किताबों से इन्नी रेफरेंसिज नहीं आदि, वो जुत्ती गिर गई सी तो महाराजे ने उत्थे ब्रिज बना दिता सीगा। तो उत्थे इन्हां दी महफिल लगती, उत्थे महाराजे की बारादरी भी है जिहड़ी कि हुण है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। 12 दरवाजे सीगे और महाराजा उत्थे बैठदा सीगा और सामने प्लेटफॉर्म बनिया होया सीगा जिथे वह डांस वगैरह करते सीगे। इतिहासकारां दा कहना है कि बेशक मोरां महाराजा रणजीत सिंह दे सब तो नज़दीक सी, पर फिर भी वह कदे राणी दा खिताब ना हासिल कर सकी। अजिहे कई हवाले मिलते ने कि महाराजे ने मोरां दे नाल ब्याह करवा लिया, पर इन्हां दी पुष्टि करना मुमकिन नहीं। राणी मोरां नहीं कहांगी उहनूं, मोरां सरकार कहांगी, क्योंकि जिहड़े हिस्टोरियंस ने उहदे वास्ते मोरां सरकार वर्ड यूज करते ने। और राणियां जड़ियां उन्हां दी प्रॉपर सिख मर्यादा नाल मैरिज होंदी है, या जड़ा जट कस्टम है करेवा या चादर डालना उहदे अकॉर्डिंगली मैरिज होंदी है। तो जदों असीं मैरिज की गल करिए तो मोरां दी इस तरह की कोई शादी महाराजे नाल नहीं हुई। बाकी महाराजे की इनफैचुएशन उहदे बारे बहुत सी, वह कोर्टिजन सी महाराजे की, और सब तो ब्यूटीफुल और विटी जड़ी है कोर्टिजन दे विच सीगी। तो ब्याह जड़ा ने रचाया ना उहदे नाल, उह ना तां निकाह सी ना ही सिख ट्रडिशन मर्यादा के अकॉर्डिंगली मैरिज सी। लेकिन ब्याह की गल आती है और जड़ी ब्याह की गल आती है उदे च एक कस्टम हैगा इन्हों का कंचनिया का कि महाराजा उन्होंने घर जाके अग जड़ा चुल्हा बनाएगा तो उन्होंने अपनी फूक के नल जलाएगा। महाराजे ने कंडीशन रखी गई महाराजे की, तो महाराजे ने वो कंडीशन कहते पूरी की सी और उस कंडीशन के हिसाब न महाराजे ने मैरिज की सी। महाराजा ये घर नहीं गया, कहिंदे इहदा एक गॉडफादर सी अमृतसर च जिहदे थां दे उत्ते महाराजा ने इहदे नाल जिहड़ा व्याह इस किस्म दा व्याह जिहड़ा कीता। बेशक महाराजा रणजीत सिंह ने उस समें च बिना किसी भेदभाव ऊच नीच जातिवाद तो उपर उठ के मोरां दे नाल व्याह रचाया ते मनुखी एकता दी वी गल कीती, पर लोक मना ने महाराजा रणजीत सिंह दे इस कारज नूं कदे वी स्वीकार नहीं कीता। मोरां ते महाराजे दी यादगार दा नाम पुल कंजरी रख दिता। जेकर स्वीकार कीता हुंदा तां इस दा नाम कदे पुल कंजरी ना हुंदा। मोरां ने अपनी आया नूं पुछिया कि की उत्थे लोकां दा उत्थां लोकां दा की उत्थे रिएक्शन है, लोग की सोचते हन उहदे बारे। ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਲ ਮੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਲ ਕੰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਾਂ ਪਾਨ ਚਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ ਅਤੇ ਪਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਥੁੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੂਰੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਾਜਬੰਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਦੀ ਡਾਟਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਂਦ, ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਤਾਰੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਾਜਬੰਸੋ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਸਮਝ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੈਂਬਰ 'ਚ, ਰਾਜਬੰਸੋ ਉਹ ਅਫੀਮ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟਿਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਇਫ ਨੂੰ
एक चंगी दृष्टि तो नहीं देखा जाता। पर इस सब के बावजूद मोरां महाराजे के सब तो करीब रही ते कई बख्शिशां भी महाराजे तो प्राप्त कीतियां। इत्थों तक महाराजे दे नाल बेपरदा होके हाथी घोड़े ते सवारी भी की जो अज तक कदे भी किसी नूं नसीब ना हुई। सिख रहत मर्यादा खिलाफ भुगतन लई महाराजा रणजीत सिंह नूं अकाल तख्त साहब विखे तलब भी किया गया ते महाराजे ने न्यौंदे हुए जो भी सज़ा मिली उसनूं खिड़े मत्थे प्रवान किया। ऑब्जेक्शन किया गया जिदे च सिविक सोसाइटी ने भी ऑब्जेक्शन किया और अकाल तख्त तो भी ऑब्जेक्शन होया कि यह सिख मर्यादा के खिलाफ है। तो महाराजे ने फिर अकाल तख्त के अगे न्यौंदे हुए उन्होंने जो भी सज़ा दी कबूल की। कोड़े लगान की सज़ा सी नंगी पिठ दे उत्ते, लेकिन फिर महाराजा एग्री कर गया उहदे ते भी, लेकिन फिर उन्होंने उस उहदी सज़ा नूं जिहड़ी है आफ्टरऑल महाराजा है तो उहदी सज़ा नूं कन्वर्ट करके 1.5 लाख रुपया हरिमंदर साहब के उस जमाने ने फिर वो चढ़ाया इन पनिशमेंट के अगेंस्ट जड़ा। इतिहासकारां का मनना है कि भावें सिख हल्कियां च इस गल का बहुत वड्डी पद्धर से विरोध होया, पर फिर भी महाराजे की एक खूबसूरती सी उसनू जो भी सज़ा मिली उसनू न्यों के खिड़े मत्थे स्वीकार कर लिया। किहे महाराजे दे उत्ते कोई किहे देश दा कानून महाराजा आप ही हुंदा, पर उन्होंने सिखी की महत्ता नू समझिया अपना सिर जिहड़ा है अकाल तख्त साहब दे अगे झुकाया ते उह सज़ा जिहड़ी कोड़ियां दी उह लवाई अपने आप नू। इतिहास दसदा है कि लाहौर के शाह आलम गेट के इलाके च माई मोरां की रिहायश सी ते इसे रिहायश तो ही शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने अनेक शाही फरमान जारी किए। अज भी लाहौर दे विच ओ मस्जिद मौजूद है जिसनों माई मोरां ने बनवाया सी ते अज भी उस मस्जिद नू मोरां वाली मस्जिद के नाम नाल जाणिया जांदा है। लाहौर की शाह आलम मार्केट के पापड़ बाजार च स्थित मोरां वाली मस्जिद जिसनों मोरां ने अपनी हवेली के सामने बनवाया। माई मोरां जिथे 100 साल पहला रहिंदी सी उत्थे हुण उच्चियां उच्चियां इमारतां ने। मोरां वाली मस्जिद नूं अज भी जामा मस्जिद का दर्जा प्राप्त है जिथे रोज़ाना वड्डी गिणती च नमाजी नमाज अदा करन दे लई आउंदे हन। बाहरले दरवाजे ते माई मोरां की मस्जिद लिखिया होया है। अंदरला माहौल माई मोरां दियां यादां नूं ताज़ा करदा है। छत तो देखिया चिट्टे गुबंद ते आला दुआला नजरी पैंदा है। मस्जिद दे बाहर वाला बाजार पहली नज़रे अमृतसर दे बाजारां दा भुलेखा पाउंदा है। बहुत कदीमी मस्जिद है, तकरीबन 1808 सुनी है इसकी तारीख, और इस माई मोरा वाली के नाम से ये मशहूर है कि माई मोरा एक तवैफा औरत के बारे में सुना है कि वो तवैफा थी, तो उसने अपने रब के हुजूर नेकी का काम अल्लाह ताला जिससे चाहे वो ले सकता है, जब चाहे अल्लाह ताला हिदायत दे देता है। तो उसके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की घर बनाऊँ। उसने एक मस्जिद का इरादा किया बनाने का, तो मस्जिद उसने बनाने की कोशिश की, तो उसके बारे में कुछ इतराज़ात मिले, तो जिस उस वक़्त का बादशाह जो था उससे उसका प्यार मोहब्बत था, उससे कहा गया कि आप मेरी तरफ से मेरे नाम पर मस्जिद बनवा दें। तो वो उसने उसके नाम पर माई मोरां वाली के नाम पर उसने मस्जिद तैयार करा दी। ये उस वक़्त से मस्जिद जामा मस्जिद मोरां वाली कहलाती है, पापड़ मंडी बाज़ार शाह आलम लाहौर। लाहौर की पापड़ मंडी में वाक़ है मस्जिद जिन्हों माई मोरां मस्जिद कहा जाता है, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी महबूबा माई मोरां के नाम तो बनवाई सी। माई मोरां महाराजा रणजीत सिंह की मलका तो नहीं सी, लेकिन उन्होंने मोरां सरकार का लकब मिलया होया सी। माई मोरां का पेशा जड़ा वो नचना गाना सी, लेकिन वो महाराजा रणजीत सिंह की महबूबा सी।
अपने आखिरी वक्त जो माई मोरा ने नचन गाने तो तौबा की थी, तो उन्हें अल्लाह की राह में नेक काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तौबा करने का इजहार किया, उन्हें उसकी ख्वाहिश उत्ते मस्जिद जी है वह तमीर की गई। मस्जिद का काफ़ी सारा हिस्सा अज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, लेकिन कुछ हिस्सा वक्त के नाल तब्दीलियां की गई ने, जिद्दत लियाती गई है, लेकिन मस्जिद का काफ़ी सारा हिस्सा अज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। मस्जिद की सामभ संभाल करने वाले फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मस्जिद तकरीबन अज भी अपनी पुरातन हालत च मौजूद है, तो इस नाल ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई। ये जिस हिस्से में हम खड़े हैं इस वक्त, ये कदीमी है, ठीक है, उसी तरह है जिस तरह बनाया गया, लेकिन सिर्फ ये फ़र्श की बात है, जो फ़र्श आप जिस पर खड़े हैं ये फ़र्श अभी नया बनाया गया है, बाकी सब कदीमी है। इस तो अलावा मोरां दे द्वारा एक मदरसा भी तैयार करवाया गया सी। मदरसा बनन दे नाल फारसी ते अरबी दी उचेरी सिख्या लई सिख्यार्थियां नूं काफ़ी लाभ मिलिया, सो इस तरह माई मोरां गरीबां दी भी आवाज़ बन चुकी सी। वह मस्जिद के फिर उत्थे जड़े स्कॉलर्स बारों बारों आते हैं, उन्होंने काफ़ी एंडोमेंट मिली हुई सी स्टेट वालों, क्योंकि कमरे बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं उत्थे, जिते स्कॉलर अरेबिक परशियन दे स्कॉलर आते सी, ईवन हदीस की एजुकेशन उत्थे दिती जाती सी, तो उन्होंने कहते हैं मोरां सरकार का स्कूल, जड़े एजुकेशन की गल करते हैं स्कूल कहते हैं, नहीं तो मोरां वाली मस्जिद कहते हैं। इतिहासकारां दा कहना है कि मोरां ने महाराजा रणजीत सिंह दे नाल सलाहकार दे तौर ते भी काम कीता, भावें ओह नचण गाउण वाली सी, पर ओहदी राजनीतिक सूझ किन्नी होएगी, जिहड़ा उहने महाराजा दे नाल इक सलाहकार दे तौर ते इह काम जिहड़ा है बड़ा खूबी बखूबी निभाया। अपनी बुलंदी दे दौर च महाराजा रणजीत सिंह दा साम्राज एक पासे खैबर ते दूजे पासे कश्मीर तक फैलिया होया सी, सो इस गल च कोई अत कथनी नहीं कि महाराजे दे नाल मोरां माई ने भी इस साम्राज ते राज कीता। सो महाराजा फेल्ट कंफर्टेबल विद हर, ज्यादा कंफर्टेबल उन्होंने महसूस किया, और ब्यूटीफुल भी सी और विट्टी भी सी, और विट्टी बारे भी एक स्टेटमेंट उहदी आउंदी है कि वह कहती है एक दिन महाराजा नूं कि जो परमात्मा ब्यूटी वांडर सी तू कित्थे सी, ते महाराजा कहता है कि मैं उसले किंगडम लभ रहा सी, भी मैं अपना राज स्थापित करन च लगा होया सी, मैनू सीगा भी राज मिल जाए मैनू ए दिन। सो मोरां माई ने अपनी जिंदगी नूं जिन्ने शानदार तरीके नाल जीविया, अपनी मौत तों बाद वह उन्नी ही गुमनाम हो गई। पुल कंजरी पाकिस्तान की सरहद तो महज 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। टूरिस्ट गाइड्स का मनना है कि जे आम दिनों के वाघा बॉर्डर से 10,000 के करीब सैलानी जाते हैं, तो इतने पहुँचने वाले सैलानियों की गिनती महज 20-30 ही होंगी है। वाघा बॉर्डर तो पुल मोरां महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आम दिनों अटारी वाघा सरहद से हुंदी परेड नूं वेखण दे लई रोज़ाना 10,000 टूरिस्ट पहुँचते हैं, पर इत्थे हफ्ते च भी 100 सैलानी नहीं पहुँच पाते, जिसका वड्डा कारण पंजाब टूरिज़म की अणदेखी है। पंजाब टूरिज़म ने इस स्थान नूं उस पद्धर तक ना तो प्रचारिया ते ना ही उन्हां विकास किया ता जो वड्डी गिणती च लोग इस स्थान नूं वेखण लई आ सकदे। और मैं समझना हाँ कि जो एक टूरिस्ट आता है इतने आण के एक खाली पाउंड देखता है तो वह निराश हुंदा है, क्योंकि पुल जो पुल मोरां दा नाम लेंदे हन ते एक आम भाषा दे विच जो पुल कंजरी कहिंदे हन, उन्हां दे मन दे विच बड़ा कुछ हुंदा है कि अहीं जाके पता नहीं उत्थे की देखना, पर जो इत्थे आउंदे हन उन्हां नूं कोई ज़्यादा इत्थे देखण नूं नहीं मिलता सवाए इस पुल दे। इस जगह नूं मेनटेन ते पैसा लाया होएगा, रिस्टोर किया होएगा, पर उन्होंने ये काम जिहड़ा है हाफ हार्टडली किया है। उसका कारण वड्डा यह है कि इस नूं प्रोजेक्ट करन दे लई, इस नूं मार्केटिंग करन दे लई लोकल लोकां दी लोड़ सी, जिहड़ी कि टूरिज़म ने अपनी इहदे विच कोई दिलचस्पी नहीं विखाई,
लोकल लोगों को ट्रेन किया जाता, उन्होंने दसिया जाता कि टूरिज्म की है। अटारी वाघा सरहद तो भारत वल प्रवेश करद्या जे कोई पहली विरासती इमारत के दीदार होंगे हैं तो वह है पुल मोर। वो नहर जिथे मोर की जुत्ती डिगी अज उसका नामो निशान नहीं, क्योंकि हुण रावी ने भी अपना वहा बदल लिया है। 1947 की वंड तो बाद इस सरहदी इलाके च बहुत तब्दीलियां आईया, पर अज भी यह थां महाराजा रणजीत सिंह ते माई मोरां दी याद नूं ताज़ा करती है। विरासतनामा च अज असीं तुहानूं उस अमीर विरासत दे दीदार करवाए जो अपने आप दे विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ते माई मोरां दी अपुल याद नूं समोई बैठी है। अगली बार नवें थां ते नवें विशे दे नाल ते नवें लोकां दे विच मुड़ रूबरू होवांगे। उदों तक मैनूं परमजीत सिंह नूं दिओ इजाज़त। तुहाडे ज़हन दे विच किसे तरहां दा सवाल होवे हेठ लिखी मेल ते संपर्क कर सकते हो। हुण मैनूं परमजीत सिंह नूं दिओ इजाज़त। धन्नवाद।